हमारे देश में कुछ ट्रेनों को राजधानी, शताब्दी या दुरंतो जैसे नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ट्रेनों को इनका नाम कैसे मिला? राजधानी एक्सप्रेस। इस रेलवे द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को विभिन्न राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए चलाया जाता है, इसलिए इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस पड़ा है। देश में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस को 1 मार्च 1969 में दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाया गया था। शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन को देश के बड़े मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए चलाया गया है। शताब्दी एक्सप्रेस को छोटी दूरी के लिए चलाया जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ चेयर कार कोच होते हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन दिन की ट्रेन है जो कि ज्यादातर समय में सेम डे में अपने मूल स्टेशन पर लौट आती है। देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस 14 नवंबर 1988 को चली थी। ये दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सवा जन्मदिन था। दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है तेज। दरअसल दुरंतो एक्सप्रेस बहुत ही कम स्टॉपेज के साथ चलती है। इसे लंबे रूट पर नॉन स्टॉप चलाया जाता है। देश में पहली बार दुरंतो एक्सप्रेस 19 जनवरी 2009 में चली थी।